तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो करने वाले हैं थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, तो आज हम करने वाले हैं सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 बाइक और शाइन 125 BS6 बाइक का कंपैरिजन। तो दोनों में क्या फीचर्स मिलते हैं, दोनों की क्या प्राइस है, साथ ही बहुत सारी चीज़ों का दोनों ही बाइक में जो है हम कंपैरिजन करने वाले हैं और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, यानी कि आप बाइक खरीदने वाले हैं और आपके पास ये दो ऑप्शन है, तो आपके ज़रूरत के हिसाब से कौन सी बाइक आपके लिए 100% बेस्ट होगी, ये क्लियर करने की इस वीडियो से कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक आप दोनों ही बाइक का देख सकते हैं। दोनों ही बाइक में आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाता है, यहाँ पर LED का कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों बाइक के लुक की अगर हम बात करें, तो लुक की जहाँ बात आती है वहाँ बात आ जाती है पसंद की। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि दोनों ही बाइक में आपको जो लुक मिल रहा है, टोटल लुक, और दोनों ही बाइक में जो कलर ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें मिल रही है जिससे बाइक अट्रैक्टिव लगती है, तो आपको जो स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपके हिसाब से आपको कौन सी बाइक पसंद है, किसका लुक आपको बेटर लगता है। साथ ही दोनों ही बाइक को आप देख सकते हैं, जो कि फैमिली के लिए अगर हम बाइक खरीदने वाले हैं तो उसमें जो है लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट की वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इस बाइक में आपको, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों ही बाइक में आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल सीट मिल जाता है। यानी कि अगर आप फैमिली यूज़ के लिए बाइक खरीदने वाले हैं तो दोनों ही बाइक में जो है आपको अच्छी खासी सीट मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यार यहाँ तक तो जो है बहुत सारी चीज़ें सेम चल रही थी, लेकिन अब जो है अलग अलग होने का टाइम आ गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं दोनों ही बाइक के मीटर के बारे में। तो सबसे पहले शाइन 125 BS6 बाइक के मीटर कंसोल की अगर बात करें, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी सिंपल एनालॉग मीटर, जिसमें आपको कुछ दो चार बेसिक फीचर मिल जाते हैं। और आपको हीरो की सुपर स्प्लेंडर BS6 बाइक में मिल जाता है एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि रियल टाइम माइलेज, टाइम वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। आपको ट्रिप का ऑप्शन मिल जाता है, सेट और सिलेक्ट करने के बटन भी मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो मीटर के मामले में जो है प्लस पॉइंट हो जाता है हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 बाइक में, क्योंकि आपको जो है शाइन 125 में काफ़ी सिंपल और काफ़ी कम फीचर वाला मीटर मिल रहा है फुल्ली एनालॉग, और आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल रहा है एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें आपको थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो मीटर के मामले में जो प्लस पॉइंट है वो आपको जो है सुपर स्प्लेंडर में मिलने वाला है, जैसा कि आप क्लियरली समझ ही सकते हैं बात को। बाकी दोनों ही बाइक में आपको जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जो है सेफ्टी फीचर मिल जाता है, यानी कि अगर आपकी बाइक गियर में, आपकी बाइक का स्टैंड नीचे है, तो वहाँ पर जो है बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो ये सेफ्टी फीचर और काफ़ी ज़रूरी फीचर आपको दोनों ही बाइक में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इंजन की अगर हम बात करें, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और रिफाइंड इंजन चाहिए, तो आपको जो है वो सिर्फ शाइन 125 में ही मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो सुपर स्प्लेंडर का इंजन है उसमें कुछ दिक्कत है, वो ख़राब है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा रिलायबल रिफाइंड इंजन चाहिए, तो वो आपको जो है सिर्फ शाइन 125 में ही मिल सकता है, क्योंकि वो होंडा का इंजन है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो दोनों ही बाइक के पावर फिगर की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शाइन 125 BS6 बाइक की। तो इसमें जो आपको पावर मिल रहा है वो 10.74 PS का एट द रेट 7500 RPM पर, और आपको टॉर्क मिलने वाला है 11 न्यूटोमीटर का 6000 RPM पर। तो अब बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर की। तो यहाँ पर आपको पावर मिल जाता है 10.8 PS का 7500 RPM पर, और आपको टॉर्क मिलने वाला है 10.6 न्यूटोमीटर का 6000 RPM पर। तो यहाँ पर क्लियरली आप समझ ही सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पावर आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल जाता है, लेकिन आपको इनिशियल पिकअप जो है काफ़ी बेटर मिल जाता है शाइन 125 में। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो दोनों ही बाइक से आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है, साथ ही आपको दोनों ही BS6 बाइक में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो दोनों ही बाइक के माइलेज की अगर हम बात करें, तो दोनों ही बाइक में आपको 60 से 65 के आसपास माइलेज मिल सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, माइलेज डिपेंड करता है हमारी राइडिंग स्टाइल पे। अगर हम बाइक को जो है अच्छे से यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम जो है सर्विसिंग वगैरह करते हैं, तो हमारी बाइक से जो है हमें अच्छा माइलेज ज़रूर मिलता है। तो यार सेगमेंट के हिसाब से आपको दोनों ही बाइक में अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, जो कि ज़रूरी भी है अभी के टाइम में। वैसे भी जो है माइलेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट बन चुका है, और 125 CC बाइक में अगर आपको माइलेज नहीं मिला तो क्या मिला।
तो यहाँ पर आपको माइलेज जो है अच्छा खासा मिल जाएगा। साथ ही दोनों ही बाइक के पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको शाइन 125 में मिल रहा है 10.5 लीटर का पेट्रोल टैंक और आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल रहा है 12 लीटर का पेट्रोल टैंक, तो डिफरेंस जो है आप क्लियरली समझ ही सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको दोनों ही बाइक में किक मिल जाती है, 5 गियर आपको दोनों ही बाइक में मिल जाते हैं, साथ ही ड्रम और डिस्क का जो ऑप्शन है वो भी आपको दोनों ही बाइक में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के वेट और टायर साइज के बारे में। तो आपको शाइन 125 में जो वेट मिलने वाला है वो है 115 kg और टायर साइज आपको मिलने वाला है 80x100 फ्रंट में और रियर में भी सेम 80x100। और वही आपको सुपर स्प्लेंडर में वेट मिलने वाला है 122 kg और साथ ही आपको जो टायर साइज मिलने वाला है वो फ्रंट में आपको 80x100 और रियर में आपको 90x90 टायर साइज मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी और रोड ग्रिपिंग जो है आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है सुपर स्प्लेंडर बाइक में। तो यहाँ पर आपको जो है स्टेबिलिटी में दिक्कत आपको शाइन 125 में भी नहीं आने वाली, वहाँ पर भी जो है आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन बैटरी की अगर हम बात करें तो वो जो है आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलने वाली है, क्योंकि यार वेट और टायर साइज का जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली समझ ही सकते हैं। तो हाईवे पर बाइक को स्टेबल रखने के लिए वेट और बड़े टायर साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों में ही अच्छी चीज़ें मिल रही है, लेकिन आपको बेटर सुपर स्प्लेंडर में मिल जाती है बड़े टायर साइज और थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है। तो यार ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो आपको शाइन में मिलने वाला है CBS और आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलने वाला है IBS, जो कि दोनों का काम एक ही है। अगर हम रियर ब्रेक प्रेस करते हैं तो कुछ परसेंट जो है फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है, जिससे जो है ब्रेकिंग बेटर भी बन जाती है और थोड़ी सी सेफ बन जाती है, टायर्स फिटिंग करने के जो है काफ़ी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। और अभी के टाइम में जिस फीचर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है वो आपको शाइन में तो नहीं मिलने वाला, वो आपको सिर्फ मिलने वाला है हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 बाइक में। तो वो क्या है, वो है मोबाइल चार्जिंग का फीचर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे क्लियरली देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो फीचर है ये कुछ लोगों के लिए अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि इस पॉइंट के बारे में आपको और कुछ बताने की ज़रूरत है, जैसा कि आप जो डिफरेंस है क्लियरली यहाँ पर समझ सकते हैं। एक बहुत ही काम का फीचर आपको सुपर स्प्लेंडर बाइक में मिल जाता है, जो कि सभी के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है और दोनों से आपको अच्छा खासा कम्फर्ट मिलने वाला है। तो ये थी दोनों ही बाइक के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट जो मैंने ऐड किए थे जो कि मुझे ज़रूरी लगे थे उनका मैंने कंपैरिजन कर दिया, आपके लिए जो है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर दी। बाकी कोई पॉइंट अगर मिस हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक जो ज़रूरी पॉइंट है वो बाकी है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको जो है सुपर स्प्लेंडर की ऑन रोड प्राइस अभी के टाइम में जो है 99,000 के आसपास देखने को मिल सकती है डिस्क वेरियंट की, और वही आपको शाइन 125 के डिस्क वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस जो है देखने को मिल सकती है 1,02,000 से 3,000 के आसपास। बाकी प्राइस में स्टेट बाय स्टेट कुछ डिफरेंस होता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है प्राइस का जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो यार लगभग जो जो ज़रूरी पॉइंट थे ना उनकी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आपके लिए क्लियर हो ही गया होगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है, और साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस बाइक में आपको कौन सा फीचर मिल रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल हो ही जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी ये वीडियो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर उसको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ हेल्प हो सकती है तो। और दोनों ही बाइक के बारे में आपको क्या लगता है, अगर आपने बाइक खरीदी है तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है और आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है क्या बुरी लगती है, जो भी आपके मन में है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।